गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए नंदनी के पापा क्या कर रही है, सुबह सुबह ये नारियल छील रही है। आज पेड़ से एक नारियल गिरा है तो मौसी बना रही है स्पेशल ब्रेकफास्ट, पूरी और मीठी चना दाल। मीठी चना दाल की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप चाहो तो देख सकते हो। बहुत यम्मी एंड डिलीशियस होता है, स्पेशली पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ ये मीठी मीठी चना दाल बहुत अच्छा लगता है नारियल डाल के। तो आज हम नाश्ते में ये पूरी और चना दाल खाएंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक स्पेशल, बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल में, ये भोला फिश बोलते हैं इसे, ये बहुत यम्मी है। ये बना के आज मैं आप सबको दिखाऊंगी। ये फिश बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, यहाँ मैंने 4 बड़े साइज का प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया है, 1 किलो भोला फिश है, इस फिश का नाम है भोला। इधर भाभी चावल वॉश कर रही है चावल बनाने के लिए, तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, अब मैं फ़िश फ्राई करूंगी। और एक मसाले का पेस्ट भी मैंने दिखाया, उस पेस्ट में है अदरक, 2 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च पेस्ट, और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, जीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून। इस सारे चीज़ों को मैंने पानी से एक पेस्ट बना लिया है, फिश फ्राई कर लिया है मैंने सारा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, ये भोला माछिर झाल बोलते हैं, भोला फिश करी। इसमें अब मैं 5 फोरन और जीरा 1 टीस्पून ऐड किया है, 1/2 टीस्पून 5 फोरन, 1/2 टीस्पून जीरा मैंने ऐड किया है तड़का में। अब मैं प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई करूँगी। अब मैं स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर दिया है, इसमें सॉफ्ट हो जाएगा प्याज और टमाटर। अब अच्छे से हमें इसे भूनना है। ये फिश बहुत पसंद है मुझे, ये स्पेशली सर्दी में मिलते हैं, पूरे साल ही मिलता है लेकिन सर्दी में गोभी डाल के इसमें बहुत अच्छा एक रेसिपी बनता है, बहुत टेस्टी होता है। अब मसालों का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, इसको अब अच्छे से हमें भूनना है जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला। ये नहीं मिलता है ये फिश दिल्ली हरियाणा में, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन ये कभी नहीं मिला मुझे ये फिश, इसलिए मैं यहाँ आके मैंने बोला मौसी को कि ये फिश बनाने के लिए, तो सोचा आप सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। ये बहुत एक टेस्टी यम्मी फिश है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, इसमें ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं हो है, गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी होता है। आप चाहो तो यही रेसिपी रोहू फिश के साथ भी बना सकते हो। अब मैं ग्रेवी में फ़िश ऐड कर दूंगी। ये फ़िश बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए बहुत ही केयरफुली हमें इसे फ्राई भी करना होता है और ग्रेवी में भी ऐड करना होता है। ये सारा मैंने ऐड कर दिया है, देखिए फ़िश। अब इसको मैं फ़िश को हल्के से इसको हल्का दबा दूंगी ग्रेवी में कि पूरा ग्रेवी इसके अंदर तक जूस जाए। अब इसको ढक के बस, ये बहुत सॉफ्ट फिश है इसलिए इसे ढक के बस मैं 3 मिनट इसे 4 मिनट कुक करूंगी। ये मेरा बनके तैयार हो गया है। अब हरा धनिया ऊपर से मैं डाल दूंगी। मेरा भोला फिश करी बनके तैयार है, बंगाली में इसे बोलते हैं भोला माछेर झाल। तो होप आप सबको ये रेसिपी अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
यम्मी एंड डिलीशियस। अब इसी फिश से हम लंच करेंगे। ये देखिए मेरी भतीजी को खिला रही है प्यारी सी भतीजी मेरी, हमारी खाना खा रही है फिश और चावल। फिश बनाया फिश से और चावल है ना। अब हम खा रहे हैं, ये स्पेशल रेसिपी है, ये अरबी का रूट है, इसे लोती बोलते हैं। प्रॉन डाल के, झींगा मछली डाल के इसे बनाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। ये मेरे लिए बना के भेजा है भाभी के माँ ने, मम्मी ने भेजा है। ये है प्रॉन, स्टीम प्रॉन, मैंने अभी जो दिखाया स्टीम प्रॉन, भापा चिंगरी बोलते हैं इसे। ये दो डिश बना के भेजा है भाभी के मम्मी ने। तो हम सब बहुत इंजॉय किया आज लंच, बहुत यम्मी लंच बना आज। यम्मी ले फिश, फिश का अंडा, भोला फिश के साथ। ये नंदिनी भी बहुत ही यम्मी यम्मी बोल रही है, बहुत पसंद किया है। अब हम शाम को थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स के लिए आए हैं। यहाँ एक मार्केट है बैरकपुर रेलवे स्टेशन के बगल में, एक मार्केट है, यहाँ के बहुत यम्मी यम्मी इवनिंग स्नैक्स मिलता है। मोमो, चिकन रोल, फिश फ्राई, मुगलाई पराठा, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। हमने लिया है, ये देखिए रुमाली रोटी बन रहा है, हमने यहाँ से लिया है फ्राइड मोमो। और एक नया आइटम जो मैंने कभी नहीं सुना है यहाँ के देखा, ये देखिए ये है चिकन सिफारी, ये बहुत टेस्टी है खाने में। इसके अंदर पूरा जैसे हम गुजिया बनाते हैं वैसे ही गोल गोल चंद्रकला गुजिया की तरह ही होता है, अंदर पूरा चिकन और वेजिटेबल का स्टफिंग होता है। ये फ्राइड मोमो और ये मिठाई, ये मिठाई भी बहुत टेस्टी होता है, ये छेना से बनता है, प्योर छेना से, कम मीठा होता है, बहुत यम्मी होता है खाने में। मावा और छेना मिला के ये बनते हैं। तो इवनिंग स्नैक्स में ये सारा आज हम खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मौसी, भाई, भाभी सब मिलके हम इवनिंग स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। फ्राइड मोमो और चटनी, यहाँ चटनी के साथ सूप भी देते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में जैसे मेयोनीज और ओनली चटनी देते हैं, यहाँ पे सूप देते हैं, एक ग्रेवी देते हैं, जो चिली चिकन का ग्रेवी होता है ऐसे ग्रेवी देते हैं, दो तरीके का चटनी भी देते हैं। तो